नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में और मैं हूं आपके साथ आलोक। आज फिर से हम बात करेंगे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की। 2017 में कौन होगा यूपी का सीएम ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले पार्टियों को संभावित सीएम कैंडिडेट का ऐलान करना होता है। यूपी में एसपी अखिलेश यादव तो बीएसपी का चेहरा मायावती है, लेकिन राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी किस चेहरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं इस पर संशय लगातार बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस की ओर से शीला का नाम आ रहा है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी में इतने नेता हैं कि पार्टी में ही अलग अलग नाम को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रही है। कोई योगी आदित्यनाथ तो कोई वरुण को सीएम बनाने की वकालत कर रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इस बारे में कोई फैसला ही नहीं हुआ है। क्या दोनों राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों से प्रदेश की राजनीति के बारे में काफी कुछ सीखने की जरूरत महसूस हो रही है? क्या कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ केंद्र की ही राजनीति करने में माहिर हैं? क्या बीजेपी जिस तरीके से अगर चुनावी चेहरा अगर कुछ लाती आगे तो वो कौन से नाम होंगे जिन पर मोहर लगना बाकी है? तो कुछ ही महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी सभी दलों ने चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यूपी में जहां एसपी और बीएसपी के सीएम कैंडिडेट निश्चित हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इनकी पार्टी की ओर से सीएम का चेहरा किसे बनाया जाए। कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव से पहले यूपी का सीएम कैंडिडेट तय करने पर माथापच्ची हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी को पार्टी का चेहरा बनाकर अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। बात बीजेपी की करें तो इसमें फायर ब्रांड नेताओं की कमी नहीं है। पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो यूपी में प्रचार की कमान संभालने में सक्षम हैं, लेकिन जब बात प्रियंका गांधी की हो तो जाहिर है कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो उनके सामने चुनाव प्रचार में टिक सके। पीएम मोदी को शायद ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी अगर यूपी चुनाव प्रचार की कमान संभालें तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं सब वजहों से स्मृति ईरानी से एजुकेशन और आरडी मिनिस्ट्री का जिम्मा वापस लेकर उन्हें टेक्सटाइल जैसा हल्का मंत्रालय सौंपा गया है, ताकि यूपी के विधानसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से प्रचार करवाया जा सके। स्मृति ईरानी ने 2014 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी लोकसभा सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें काफी कड़ी टक्कर दी थी। जैसे तैसे राहुल गांधी अपनी सीट बचा पाए। अमेठी में हार के बावजूद स्मृति केंद्र में मंत्री बनी, लेकिन उन्होंने अमेठी आना जाना नहीं छोड़ा। वो वक्त वक्त पर यहाँ आती रही ताकि जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत बनी रहे। बसपा सपा तो एक परिवार की पार्टी है और बसपा में जहां से शुरू होता वहीं खत्म होता है, तो उनके लिए क्या समस्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बड़ा संगठन है और नेतृत्व की एक लंबी कतार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के फेस है और हमारी पूरा संगठन पार्टी का फेस है, हमारे सारे कार्यकर्ता पार्टी के फेस है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस पार्टी में जहाँ तक चेहरे की बात है अभी चुनाव काफ़ी दूर है। अभी हमारी और सारी तैयारियां हो रही हैं, बूथ लेवल की बात हो रही है, विधानसभाओं में किसको किसको लिया जाए, एक कमेटी भी गठित की जा रही है कि वो प्रॉपर उस पर निगरानी रखें। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगी और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को कांग्रेस यूपी के सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी ने अभी तक ऐसे किसी भी नेता के नाम का ऐलान नहीं किया जिसे सीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा। बीजेपी में सीएम उम्मीदवारों की रेस में योगी आदित्यनाथ और वरुण गांधी को लेकर अलग अलग जगहों से पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग उठती रही है, यानी चुनाव प्रचार के लिए तो जैसे तैसे इंतजाम हो जाएगा,
लेकिन सीएम कैंडिडेट के तौर पर किसको सामने लाया जाए, इसे लेकर बीजेपी अभी पसोपेश में है। भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा के चुनाव में इस जनता को गुमराह करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से छलिया, इस उत्तर प्रदेश की छलिया नहीं पूरे भारतवर्ष को छलने का काम किया है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ऐसे आए हैं जो जनता स्वयं समझ रही है और इनकी नकाब उठ चुकी है। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो अखिलेश यादव ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार हैं। बीएसपी में भी हमेशा की तरह मायावती ही सीएम पद की उम्मीदवार होंगी। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि यूपी में एसपी और बीएसपी जैसे क्षेत्रीय दलों के पास जहां सीएम कैंडिडेट के लिए अपना नेता है, वहीं राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी को सीएम कैंडिडेट तय करने के लिए माथा पच्ची करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और आज के इस जनमंच कार्यक्रम में हमारे साथ पहले दर्शक जितेंद्र जी जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। जितेंद्र जी, क्या कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ केंद्र की ही राजनीति करने में माहिर हैं? क्या बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के पास सीएम कैंडिडेट के लिए कोई चेहरा नहीं है, क्या लगता है? जी जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आप इंडिया वॉइस से बात कर रहे हैं, खास शो चल रहा है, लाइव शो चल रहा है। जी जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में तो तय है सीएम कैंडिडेट, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में अभी तय नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? योगीनाथ मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। जितेंद्र जी बरेली से एक दर्शक थे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम लिया। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, ये एक जनमंच कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, हम सिर्फ एक सवाल उठा रहे हो जिस पर जनता की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर आप भी हमारे ऐसे सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आपकी भी राय आज आमंत्रित है। अपनी राय देने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। शामली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, विधानसभा चुनाव में अब कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बीजेपी कांग्रेस एसपी और बीएसपी सभी दलों ने चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, लेकिन अभी अगर बात करें तो एसपी और बीएसपी का तो लगभग तय है, लेकिन बाकी की पार्टियों का अभी कोई सीएम कैंडिडेट तय नहीं है। जी प्रमोद जी, प्रमोद जी टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, एक गुजारिश है आपसे, और अच्छे से अपनी बात रखिए क्योंकि ये लाइव शो जा रहा है। इस वक्त हजारों करोड़ों की संख्या में दर्शक आपको भी सुन रहे होंगे और हमारी भी बात सुन रहे होंगे। हाँ जी हाँ, देखो ये यूपी की स्थिति बड़ी विचित्र है। हाँ। विचित्र ये हमारा जो यहाँ का वोटों का प्रतिशत है क्षेत्रीय दलों के ऊपर आधारित होगा, और क्षेत्रीय दल जिस राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट करेंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा। वैसे अगर बीजेपी वरुण गांधी को, मेरी राय से वरुण गांधी को प्रोजेक्ट करती है योगी आदित्यनाथ से अलग, तो सफलता मिलने के चांस ज्यादा है। चलिए, शुक्रिया प्रमोद जी हमसे बात करने के लिए। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू जी गोरखपुर से। सोनू जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बीजेपी में जो बहुत सारे नाम गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है किस तरीके की सुगबुगाहट है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का क्यों? जी सर, क्योंकि लगातार सांसद बन रहे हैं 100 बार से। नाम तो वरुण गांधी का भी आ रहा है सोनू जी। नहीं, वरुण गांधी का नाम भले आ रहा है लेकिन हिंदुत्व और हर मैटर में योगी जी। चलिए सोनू जी, आपकी अपनी राय हो सकती है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अगर आपको भी लगता है, आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तमाम सारे दर्शकों से, तो आज का ये खास शो समझिए आप ही के लिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आखिर चुनाव को लेकर के अब अगर बात करें एसपी और बीएसपी में तो सीएम के कैंडिडेट नाम तय है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? सवाल तमाम सारे हैं। अगर इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप देना चाहते हैं, अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी हमें फोन मिलाइए। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको बस करना सिर्फ इतना है कि उन नंबरों को डायल करके अपनी राय रखनी है।
प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक राजधानी लखनऊ से। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपको। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीएम का जो कैंडिडेट है वो कौन होना चाहिए? अरे सर, हमारे तरफ से तो वरुण गांधी बनाना चाहिए, क्योंकि वो भी युवा भी है और देश का यूपी का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं जी। और कांग्रेस में? कांग्रेस में अगर हमारे तरफ से प्रियंका चोपड़ा आती है, वो प्रियंका जी आती है, प्रियंका गांधी जी, तो उनका भी नाम अच्छे तरह से हो सकता। लेकिन अब तो गुलाम नबी आजाद साहब ने अब शीला दीक्षित की भी बात कहकर के एक नया शगुफा छोड़ा है। नहीं, वो छोड़े सर, उनकी अपनी है, मेरी अपनी है, कि प्रियंका जी रहे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा लुक भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। अहमदाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, विकास जी। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। विकास जी, आप गुजरात में रहते हैं, हम आपसे थोड़ी सी यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। समाचार पत्रों में तो पढ़ते ही होंगे, जरा सा यूपी की राजनीति के बारे में बताइए, किसको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, सीएम के रूप में तो देखना हम चाहते हैं कि कोई अच्छा बंदा ही हो और जाके सिलेक्ट कर सके, क्योंकि आज के तारीख में ये सिचुएशन है पूरे देश में यूपी की, जहां पर गुंडागर्दी ही पहले नाम आता है और एजुकेशन के बाबत में बहुत पिछड़ चुका है। तो कोई भी हो, वो कांग्रेस ही हो, भाजपी हो, लेकिन हमें कैसा नेता चाहिए जो पूरी सिस्टम को चेंज कर पाए? नहीं हमें वो अखिलेश भी चाहिए, नहीं कोई हमें ये प्रियंका भी चाहिए, एक ऐसा बंदा जो पूरी सिस्टम को ऊपर ले आ सके। तो विकास जी, आपको कोई लगता है बिल्कुल एक परफेक्ट कंप्लीट कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा? सर, ऐसा है कि आपने मुझे कंकड़ में से मोती ढूंढने के लिए बोला है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे बात करने के लिए। गोंडा से हमारे साथ एक दर्शक जितेंद्र जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अब तो चुनावी मौसम धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है, आप किसको सीएम के रूप में यूपी का देखना चाहते हैं अगला? जी, भाजपा से योगी आदित्यनाथ जी को। जी, मेरा नाम उपेंद्र विक्रम सिंह है, गोंडा से बोल रहा हूँ, डुमरिया डी से। जी 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 जी, योगी आदित्यनाथ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ का हमारे दर्शक ने नाम बताया, मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि आपको भी अगर अपनी राय शेयर करनी है तो आज का एक खास शो समझिए आप ही के लिए है, जनमंच का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।